नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है Realme X3 और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में यहाँ पे कैमरा फीचर्स से जो फोटो लेते हैं वो किस टाइप की आती है और यहाँ पे इसमें कैसे कैसे कैमरा फीचर्स आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो नाइट मोड में यहाँ पे आप इसको 2 गुना जूम करके फोटो ले सकते हैं, 5 गुना और 10 गुना जूम करके फोटो ले सकते हैं। और यहाँ पे आप प्रो और AI कैम मोड का भी यूज कर सकते हैं ऐसे स्क्रॉल करके। और यहाँ पे आपको बाकी इस पे जाके फ्रेम भी आपका इसका सेट हो सकता है। यहाँ पे आप ऐसे करके इसका फ्रेम रेशियो सेट कर लेंगे फुल स्क्रीन मोड में या फिर आपको जैसा इसका रेशियो चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे आप टाइमर भी इसका सेट कर सकते हैं। टाइमर बंद करना है तो यहाँ पे आप इसको ऐसे बंद कर देंगे। और इसकी नाइट मोड की जो अलग से सेटिंग होती है, सेटिंग पे जाके आप इसका वाटरमार्क हटाना है या क्या चीज़ इसका बंद ऑन करना है क्या चालू करना है ये आप कर लेंगे। और इसके बाद बैक करके वीडियो मोड की सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आप सेम चीज़ें आ जाती है आपको, यहाँ पे HDR मोड वगैरह देखने को मिल जाता है, फ्लैश लाइट वगैरह। और यहाँ से आप इसका ब्यूटी मोड भी चेंज कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट ब्यूटी मोड यहाँ पे आप कर सकते हैं इस टाइप से। और यहाँ पे आप फोटो मोड पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लैश लाइट HDR मोड देखने को मिल जाता है, AI मोड आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं इस टाइप से, आप अलग अलग फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप एक चीज को जब फोकस करते हैं तो पीछे की चीज वहाँ पे ब्लर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल जाता है अलग से। तो यहाँ पे आप सेट करके इससे भी फोटो ले सकते हैं, काफी अच्छी आती है। मोर पे जाएंगे तो मोर पे आपको यहाँ पे गूगल लेंस का भी यूज कर सकते हैं, टाइम लैप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, टेक्स्ट स्कैनर भी आपको यहाँ पे कैमरा में मिल जाता है और अल्ट्रा माइक्रो का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। काफी छोटी से छोटी चीज भी यहाँ पे आप फोटो ले सकते हैं उसको जूम करके। और स्लो मोशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, एक्सपर्ट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और पैनोरामा। तो यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम क्लिक्स ले रखे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको इसके कुछ फोटो वीडियोस वगैरह दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं गैलरी में चली जाऊंगी और यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये मैंने नाइट मोड में फोटो ली है। तो नाइट मोड में थोड़ा सा अंधेरा था, तब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज्यादा लाइट है यहाँ पे। तो ये अंधेरे की फोटो है और ये फ्रंट कैमरे की फोटो है, सेल्फी कैमरे की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये नॉर्मल कैमरे से मैंने वीडियो ले रखी है, बैक कैमरा से यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं। और ये मैंने नॉर्मल कैमरे से फोटो ली है, बैक कैमरे से। और ये मैंने कैमरे से जूम करके फोटो ली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो में जो कपड़ा यहाँ पे सूख रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे ज्यादा जूम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जूम का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम करके यही कपड़ा यहाँ पे किस टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जूम वाले कैमरे से मैंने जूम करके फोटो ली है, तो अभी मैं आपको बता दूंगी कैसे जूम करना है। और इसके बाद ये बुके मोड से मैंने फोटो ली है धूप में, डे लाइट में। तो ये मेरा हाथ है और पीछे आप देख सकते हैं अच्छा खासा ब्लर आपको देखने को मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पे आप, ये 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे की फोटो है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है। और ये आपका अल्ट्रा माइक्रो कैमरा से मैंने फोटो ली है, जिससे आप काफी ज्यादा बारीक चीज का फोटो ले सकते हैं। और ये मैंने स्लो मोशन में वीडियो बनाई है, वीडियो मैंने बहुत जल्दी जल्दी घूम घूम के बनाई थी, तो ये स्लो मोशन में एक्टिवेट हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लो मोशन की वीडियो आपकी इस स्टेप से वर्क कर रही है। और ये मैंने धूप में फोटो ली है, ये फ्रंट सेल्फी कैमरे की फोटो है, ये मैंने धूप में ली है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, नॉर्मल कैमरे से अगर आप फोटो लेते हैं तो यहाँ पे आपको इस टाइप की फोटो देखने को मिल जाती है, ये मैंने डे लाइट में ली है। तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज दिखा देती हूँ, ये जो बिल्डिंग है ये बैक साइड में ये मॉल है, तो यहाँ पे जूम करने से इतना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको जूम करके ऑलरेडी फोटो ली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा ये सुपर जूम हो रखा है, तो यहाँ पे इस टाइप की फोटो आ गई है। ये मैंने 30 गुना ज्यादा जूम किया था इसको, 60 गुना ज्यादा भी यहाँ पे आप जूम कर सकते हैं इसको। तो ये मॉल की फोटो है,
जो कि इस फोटो में आपको ये छोटा सा दिख रहा है, तो मैंने उसी जगह से ये फोटो लिए दोनों। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जब आप कैमरा पे जाते हैं तो जब आप नॉर्मल फोटो लेते हैं तो इस टाइप से आप ले लेंगे, और इसको बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे जब ऐसे स्लाइड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 गुना आप जूम कर सकते हैं इसको, और इसको कम कर सकते हैं इस टाइप से। तो इस टाइप से आप यहाँ पे इसको जूम इन जूम आउट करके फोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सुपर जूम क्वालिटी देखने को मिल जाती है इस फोन में, और 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।